हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के 5:45 बज गए हैं और हम अभी घर से निकलने वाले हैं। पिताजी जूतों के तने बांध रहे हैं, तो बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगरा। लंबा हॉर्न दिया गाड़ी ने, सांप की तरह लहरा लहरा। ये किलाट लग रही है, हम तो नीचे की साइड में। और यार ये किलाट सी लग रही है, पर दो हैं। ये खींच के आगे ले जाती है सया। यहाँ डिब्बा खत्म। ये देखो कितना गैप है इसमें, यहीं पर रख दे तो नीचे गिर जाए। और ऊंची भी बहुत है इधर से। 9:32 पर ट्रेन पहुंची है। 9 तो दिख ही नहीं रहा इसमें, क्या चक्कर भाई? वो 9 नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा है जूम करने पर। अब बिल्कुल ना दिख रहा, अब 3:03 का दिख रहा। अब 32 आ गया, अब 9 भी आ गया। ये क्या भैया, जूम इन और जूम आउट का फर्क? कछु की रथ यात्रा निकल रही है शायद, तब इतनी भीड़ है रही है। गाजे बाजे बज रहे हैं, झंडा लेके निकल रहे हैं पीछे से। छोटी सी बच्ची देखो पानी गर्म कर रही है भट्टी पे। मुझे इधर जाना है और इधर जाने के लिए अभी यहाँ पे कोई भी साधन अवेलेबल नहीं है। बस आई है, बस में हमको जाना नहीं है, ऑटो में जाना है। पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ है। आ तो रहे हैं कुछ ऑटो। खेरिया मोड़, खेरिया मोड़, चलो। ये रथ यात्रा का निकल रही भाई साहब? जेनी पागल है यार। जेनी निकल गए। अब उनके धर्म में ऐसा ही है, वो नंगे होकर निकले भाई। यह आगरा का खेरिया मोड़ नामक स्थान है। यहाँ पर हमने सब्जी पूरी का नाश्ता किया। एक सब्जी पूरी यहाँ पे 8 रुपए में मिलती है। देखो यहाँ पे 2 तरह की केला है, हमने ये वाली केला ली है। ये ज्यादा मीठी लगे ना अंकल जी, ज्यादा पकी हुई है। तो हम समझदार है तभी तो ले जा रहे हैं। ये कितनी करती है, 1.25 किलो? केला यहाँ 25 रुपए किलो, 30 की कर दी अंकल जी ने। पहले तो इसको उतारते हैं, ट्रेन निकल ना जाए। इसकी वजह से सुबह 4 बजे जगे पैकिंग वैकिंग की, इसलिए ना नींद पूरी नहीं हो पाई। और रात को भी मैं सोया था करीब 12:30 बजे। यहाँ के मैं बस लेट आई था, लेटते ही नींद लग गई और सपना भी आ गया। लेकिन अभी चाय आ गई है तो चाय पी के शायद नींद भाग जाएगी। बैठे हैं आराम से, कुछ करना तो है नहीं। दोपहर का 1:15 बज गया है। 1 घंटा पहले अविन भाई आए थे, उनको मैंने मेमोरी कार्ड दे दिया कि भाई आगरा में जहाँ भी रिकवर कोई कर सके तो इस कार्ड को ले जाओ, और वापस जब आओ ना तो रिकवर करवा के लाना है आपको, बिना रिकवर करे मत आना। खाना खा लेते हैं। खाने में सब्जी कौन सी है, ये शायद मूली है क्या? चलो खाएंगे तो मालूम पड़े, क्योंकि ये इतना बड़ा मिर्चा। चलिए आपको बता देते हैं, ये जो सब्जी है आलू और फालर की प्याज की है। वैसे आप तो शायद पहचान गए होंगे। आज सुबह के 10 बजे से मैं इसी रूम में बंद हूँ, मतलब कहीं बाहर नहीं निकला हूँ। फिलहाल शाम के 5 बज गए हैं, दिन भी ढल गया है। देखिए सूर्य भगवान अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, दिख रहा है आपको सीन थोड़ा बहुत। रात्रि के 9:45 बज गए हैं और पूरा दिन आज इस रूम में बीत गया मेरा। आज जितना बोर हुआ हूँ ना मैं,
मुझे खुद मालूम नहीं है इससे पहले कभी बोर हुआ भी होगा या फिर नहीं हुआ। और ये जनाब देखिए आराम से लेट रहे हैं। कैसे, क्यों बोर क्यों? अब तो खैर हमने खाना वाना खा लिया, काफी लेट हो गए। कितने बजे आए तुम? मुझे करीब साढ़े सात बजे आए। नहीं एक बार बीच में भी आया था भाई साहब, अरे बीच में आए थे दो पल के लिए बस, मेमोर कार्ड लेने के लिए। दो पल रुका, ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। कार्ड के बारे में कुछ अपडेट दो ऑडियंस को भाई साहब। अच्छा सब हाँ यार, सुनो कार्ड क्या, कार्ड तो यहाँ रखा है। कार्ड आज तुम्हारा आगरा में लेके घूमे। अच्छा हुआ क्या इसका? इसका हुआ ये कि हम कई लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब रिकवर जो होगा ना आपके फोटो फोटो हो सकते हैं। हमने कहा देखो भाई फोटो हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वीडियो की जो हमारे इसके पड़े हुए हैं। तो कह रहे वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है हम, और थोड़ा सा काम भी हमें कम, मतलब टाइम भी काम ज्यादा था, टाइम कम, टाइम कम था। तो जो संजय पैलेस भी गए थे तो तुमको क्या लगता है ये काम इम्पोर्टेंट नहीं था तुम्हारे लिए ना? ये तो बहुत ज्यादा था। तो दूसरे काम में कहाँ बिजी होगे भाई तुम? अटक गए यार, हमने तुम बताया था कभी कभार ऐसा काम आ जाता है हमारे पास, हम अटक जाते हैं, अटक जाते हैं तो फिर बीच में लटक जाते हैं भाई साहब। आज ना मेरा बिल्कुल व्लॉग भी नहीं बन पाया, मतलब थोड़ा बहुत शूट किया है आज तो, मैं रूम में बंद कर दिया हमको। कल इसको कराते, कल यही काम है इसको लेके कल पूरे दिन मार्केट में घूमेंगे। जब तक ये ठीक नहीं होगा ना तब तक हम लौटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ना नहीं है तेरे को। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या रहेगा अच्छा लगे तो बना भाई। तो चीजें इतनी सारी हैं ऑडियंस, मतलब वही यार परेशान हो जाते हैं ना। कुछ मत करो बस तुम देखो और खुश रहो, बस देखो और खुश रहो। मिलते अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। राहुल भाई ये लड्डू लेके आए हैं। भाई ये कौन से लड्डू हैं, किस चीज के बने हुए हैं बताओ कुछ। अभी हम रूम में तीन लोग हैं, मैं अवन भाई और राहुल भाई, देखो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ हम तो बताए उनको मालूम नहीं है, लेके दे ही आए हैं पर मालूम के तो हमारे ये अब फ्रिज में रखे थे आपने, ठंडे हो रहे हैं भाई साहब बहुत, ये बाहर रखने से वैसे हो रहे हैं। देखो एक तो उसमें तिल है ना, और मुझे पता नहीं क्या इसमें, और दूसरा इसमें घी डाला हुआ है, तिल के लड्डू है, घी भी है, तिल है, घी है, और क्या और मतलब इसको कहते हैं ड्राई फ्रूट है अपना बहुत सारे, ये तिली के लड्डू हैं, तिली और ड्राई फ्रूट के। हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा इसको पता है क्या बोलेंगे अब, खाना हमने खा लिया, मीठा खा रहे हैं कुछ इसको है। नहीं इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप बताओ क्या बोलते हैं? स्वीट बोलते हैं खाने के बाद खाना होता है। अरे क्या बात कर रहा भाई, इसको सफर बोलते हैं, खाना खाने के बाद रात्रि में जब मीठा खाते हैं ना तो उसको सफर बोलते हैं। हाँ तो कहना चाह रहे हो सफर पे कहाँ जा रहा है हम? नहीं नहीं वो जाने वाला सफर नहीं, इसको सफर बोलते हैं। अच्छा उर्दू में? नहीं नहीं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सफर। सफर सर्च करो मीठे को सफर, वो हम बाद में। नहीं नहीं मीठे, मीठा भी देखो खाने का अलग अलग होता है तरीका। एक हम सुबह खा रहे हैं तो वो एक अलग है, दोपहर में खा रहे हैं वो एक अलग है, वो तो स्वीट में आएगा। लेकिन रात को खाने के बाद जो मीठा खाते हैं ना उसको सफर बोलते हैं। सफर अच्छा, या आप डिक्शनरी में देख लेना। नहीं नहीं बिल्कुल, गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना भैया ना, हम कुछ नहीं कह रहे। नहीं मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था ना। अच्छा, तो कुछ कुछ चीजें मैंने पकड़ ली। देखो भाई साहब जरूरी है, इन्होंने कुछ दिन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, एक महीने वाला। हाँ तो जितनी इंग्लिश इन्होंने सीखी है ना वो अब यहाँ पे झाड़ रहे हैं। सुनो भाई साहब ये चश्मा हमने क्यों लगाया पता है? ये फ्लैश लाइट जो है ना इसने अभी हमें अंधा कर दिया था। तो ये तो चश्मा मोगी पा रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा कम लगा, ऐसे ज्यादा लग रहा सच्ची में। ये ब्लू लेंस है ना इसलिए इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, वैसे तो इसमें बहुत तेजी से लगता है, बहुत तेज लाइट है यार तुम्हारी। बंद करो इसको, बंद हो जाए।